देखिए सच्ची घटना पर आधारित द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ पैन इंडिया फिल्म चंद्रमुखी 2 से लेकर सामने आया राघव का लुक पोस्टर, साथ ही तीसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने OMG 2 के ट्रेलर को दिया यूए सर्टिफिकेट, साथ ही शाहरुख खान के जवान फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल चंद्रमुखी 2 और अक्षय कुमार की OMG 2 के साथ शाहरुख खान की जवान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमुखी 2 के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे राघव, जो कि राजा वेंटियन के रोल में नजर आएंगे। और चंद्रमुखी 2 हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज की जाएगी। साथ ही फिल्म में कंगना रनौत राज दरबार की नर्तकी चंद्रमुखी के रोल में नजर आएगी। और इस फिल्म के म्यूजिक को ऑस्कर विनर MM कीरावड़ी ने कम्पोज किया है। वही बात करे चंद्रमुखी 1 में तो राजा वेंटियन का रोल रजनीकांत ने प्ले किया था, लेकिन इस बार राजा वेंटियन के रोल में राघव लॉरेंस नजर आएंगे। यह फिल्म गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज की जाएगी। वहीं इस फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है और यह भी लिखा है कि हम डबल स्वैग और एटीट्यूड के साथ वापस आ चुके हैं। और देखने वाली बात होगी कि यह फिल्म फर्स्ट सीक्वल की तरह सुपर डुपर हिट हो पाएगी या फिर नहीं। वहीं फर्स्ट सीक्वल में हमें एक्शन, कॉमेडी, हॉरर सभी प्रकार का मिक्सचर देखने को मिलता था। वैसे आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड कमेंट कीजिएगा। और वहीं आप बात करें सच्ची घटना पर आधारित द कश्मीर फाइल, जो हमें पिछले साल देखने को मिला था, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, जो सुपर हिट हुई थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों को दिखाया गया था। अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट 11 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी, जो कि द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड के नाम से रिलीज होगी। ये सीरीज ऐतिहासिक, जाति, भू राजनीतिक मुद्दों को ऑडियंस के सामने लाएगी। इनमें घटनाओं, गलतियों, अपराधों और परिस्थितियों को दिखाया जाएगा, जिसके कारण 1990 के दशक में भाटियों से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है, जिसने द कश्मीर फाइल को भी डायरेक्ट किया था, जो कि ब्लॉकबस्टर हुई थी। और आप इस फिल्म को 11 अगस्त से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देख सकते हैं। क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट कीजिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए।